आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद में मंदिर परिसर के गर्भगृह में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर इन दोनों तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। पूरा देश राममय हो गया है। चाहे जिस समुदाय धर्म पंथ की बात करें, सभी इस समय भगवान श्री राम के अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी भारी खुशी देखने को मिल रही है। पूरा देश भगवान राम की भक्ति में लगा है। हर धर्म के लोग भगवान श्री राम के घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग इस पल को यादगार बनाना चाहते हैं और राम की भक्ति में अपना योगदान भी देना चाहते हैं। इसी क्रम में बाराबंकी के मुस्लिम परिवार ने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा तक रोजाना दीपक जलाने का प्रण लिया है। इसके साथ ही मुस्लिम परिवार के बच्चे भी इबादत कर रहे हैं। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस ऐतिहासिक दिन को लेकर देश भर में काफ़ी उत्साह है। इसी क्रम में अयोध्या में होने वाली रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में बाराबंकी के भी एक मुस्लिम परिवार ने भी प्रतिदिन दीपक जला रहा है। यह मुस्लिम परिवार रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा तक ऐसे ही दीपक जलाते रहेंगे। इस मुस्लिम परिवार का कहना है कि 500 वर्षों का वनवास खत्म करके श्री राम वापस अपने घर में आ रहे हैं, इसलिए ये लोग काफ़ी खुश हैं। वहीं इस मुस्लिम परिवार के राजा कासिम, इंसार अहमद और साजिया बेगम ने बताया कि हमारा देश राम रहीम का है, बिना राम इसकी कल्पना नहीं हो सकती। राम किसी एक धर्म या पंथ के नहीं हैं, राम हम सभी के हैं। भारत में राम को इमामुल हिंद का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा, राम मंदिर बनने से हमारे बीच की सभी दूरियां खत्म होगी और गंगा जमुनी तहजीब को और मजबूती मिलेगी। सरहदों की अंधेरी शहर काट दो, सर फिरी इन हवाओं के पर काट दो, बद नजर जो उठे वो नजर काट दो, दुश्मनों के बढ़ो और सर काट दो। ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान है, मेरे भारत की पहचान है। इसमें पूजा करो या इबादत करो, जाके सर हद पे इसकी हिफाजत करो, जिस वतन में रहो उस की इज्जत करो, जर्रे जर्रे से उसकी मोहब्बत करो। मेरे आका का फरमान है, मेरे भारत की पहचान है, मेरे भारत की पहचान है। देखिए, 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इससे पूरे देशवासी खुश हैं, क्योंकि ये देश राम रहीम का देश है, राम बिना इसकी कल्पना नहीं हो सकती है। तो राम किसी एक धर्म के या एक पंथ के नहीं हैं, राम जो हैं वो पूरे देश के हैं। और भारत में जो है राम को इमामुल हिंद का दर्जा दिया गया है, और हमारा देश अनेकता में एकता का देश कहलाता है। तो इसलिए राम के 500 बरस के वनवास के बाद आने पर सभी धर्मों के लोग भारत में खुशी मना रहे हैं। आपने देखा, हमने भी अपने घर में जो है दिए वगैरह जला करके खुशी का इजहार किया है। हमारी बाजी ने भी, सब बिटिया ने भी, वो सभी मुसलमानों ने। तो बस इस मौके पर हम यही देशवासियों को ही नहीं, पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से भारत में मानवता, इंसानियत कायम है, तो पूरी दुनिया में इसी तरह का वातावरण रहे। और राम के आ जाने से राम राज आएगा। जब राम राज आएगा तो पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को इसका फ़ायदा मिलेगा। मकसद ये है कि जो है
22 तारीख को जो प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उससे मैं खुश हूँ और हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे देश के लोग सभी खुश हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो है इसी तरह का माहौल रहे, आपस में एकता अखंडता बनी रहे, किसी प्रकार से दिलों में नफरत ना पैदा हो, हम ये चाहते हैं और लोगों की भी यही सोचने का विचार है। तो ये आज जो जलाई हैं वो 22 तक जलाती रहेंगी? जी ज़रूर जलाएंगे, क्योंकि हमारे देश का सवाल है, जिस देश में हम पैदा हुए, ये हमारा बहुत अच्छा देश है, उसकी हम बहुत मनोकामना इज्जत करते हैं अपने देश के लिए, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता ही है।